नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे दोस्तों ये मशीन में क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको ये मशीन चला के। ये देखिए दोस्तों, ये मशीन चल रहा है तो दोस्तों ये टाका बहुत छोटा छोटा और कपड़ा ना के बराबर बढ़ता है। ये देख सकते हैं चल रहा है तो ये देख सकते हैं आप कैसे बढ़ रहा है, कितना छोटा छोटा सिल रहा है या नहीं के बराबर कपड़ा बढ़ा रहा है। तो ये मशीन में यही प्रॉब्लम है कि आगे कपड़ा नहीं जा रहा है। तो चलिए हम इसे कैसे सही करें। सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है, सबसे पहले आपको ये ऊपर कर देना है। चलिए हम इसे ऊपर कर देते हैं। सबसे ऊपर ये बीच में भी रहेगा या नीचे रहेगा तो आपका कपड़ा आगे की ओर नहीं फेंकेगा, इसीलिए सबसे पहले इसको ऊपर करके और फिर चला के देख ले। ये देख सकते हैं ये थोड़ा बढ़ने लगा दोस्तों, ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है। उसके बाद आपको दिखाते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है, टाका थोड़ा थोड़ा बड़ा करने लगा है। ये देख सकते हैं आप, और आपको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए दोस्तों ये देख सकते हैं इसका दाता पूरा नीचे की ओर चल गया है। तो इसको ऊपर करना पड़ेगा तो आपका मशीन बिल्कुल सही हो जाएगा और बिल्कुल आगे की ओर कपड़ा फेंकने लगेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ सबसे पहले ये पेच जो है मशीन आपको उठाना है इस तरह करके, और यहाँ देख सकते हैं जस्ट मशीन के दाता के नीचे यहाँ एक पेच रहता है। तो इसको आपको थोड़ा सा लूज करके इस तरह करके और थोड़ा ऊपर कर देना है दोस्तों, ज़्यादा ऊपर नहीं करना, मीडियम ऊपर करना है, फिर देख लेना है। ये देख सकते हैं ये ज़्यादा ऊपर हो गया है, ये देख सकते हैं दिख रहा होगा आप सभी को कितना ज़्यादा ऊंचा हो गया है दाता। तो हल्का सा हम नीचे कर लेंगे दाता, यहाँ से पूरा ऊपर करेंगे तो कपड़ा आपको हाथ तो सिकुड़ने लगता है दोस्तों, सिखाया जाता है सिकुड़ने का अगर ज़्यादा ऊपर करते हम तो। थोड़ा नीचे कर लेंगे, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मीडियम हो गया आपका, मीडियम ऊँचा हो गया दोस्तों। आधा दाता आधा निकालना है, थोड़ा इतना निकालना है, ऐसा नहीं कि पूरा दाता ऊपर कर दे, उससे क्या होता है आपका कपड़ा सिकुड़ने लगता है। चलिए अब हम चला के देखते हैं। पाँच में सबसे ऊपर में कर दिए हैं, अब देखते हैं इसका टाका बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। देख सकते हैं नीचे चला गया है दाता, कसा नहीं है इसलिए नीचे चला गया आपका। फिर से हम करते हैं इसको, कसे कस देते हैं स्क्रू को अच्छे से, इतना करके आपको स्क्रू को पूरा टाइट कर देना है। चलिए कर दिए हैं, अब हम सिल के देखते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं कपड़ा कितना बड़ा बड़ा टाका देने लगा ऊपर की ओर, ये देख सकते हैं अब आपका जो टाका है सही देने लगा, कितना बड़ा बड़ा दे रहा है। उस टाइम देखिए दोस्तों कितना छोटा दे रहा था, उसके बाद देखिए आपको ये कितना बड़ा दे रहा था, उसके बाद देखिए ये अभी सही दे रहा है। इतना बड़ा बड़ा टाका आपको पूरा ऊपर दे रहा है, अगर आपको इससे नीचे कम चाहिए टाका तो आपको इसको हल्का सा नीचे कर देना है, उसके बाद आपको सिलना है, थोड़ा मीडियम टाका करने लगेगा। पर इतना बड़ा ज़रूरी है टाका, इसलिए ज़रूरी है कि जींस वींस में जो टाका होता है वो थोड़ा बड़ा लगता है। तो इतना बड़ा आपको टाका मैन पाँच पे जो सबसे ऊपर है, इतना बड़ा टाका आपको करना ज़रूरी है। तो इस तरह करके ये दो कारण है दोस्तों, अगर कपड़ा आपका आगे की ओर नहीं भेज रहा है तो ये दो तरीक़ा से आप इसको सही कर सकते हैं, तीसरा कोई कारण नहीं है, यही दो तरीक़ा से आपका सही हो जाएगा और इस तरह करके आप अपना मशीन को सुधार सकते हैं दोस्तों। आशा है दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको सभी को, एक अलग जानकारी था दोस्तों ये वीडियो में। और देख सकते हैं दोस्तों मेरा आप लोग दुकान देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मशीन, ये देख सकते हैं हम मशीन का सेल एंड सर्विस दोनों करते हैं दोस्तों। देखिए ये सब रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं नीचे ये सब रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है, और ये देख सकते हैं पैदाने लगा है नीचे की ओर, देखो ये देख सकते हैं पैदान लगा हुआ है, और इधर रिपेयरिंग के लिए मशीनें आई हुई है, और ये देख सकते हैं दुकान है, ये हमारा दुकान है, सब मशीन भरा हुआ है। तो ओनली मशीन का ही सेल एंड सर्विस करते हैं दोस्तों, सेल एंड सर्विस आपको यहाँ होता है, ये रवि सिलाई के नाम से मशीन का दुकान का नाम है, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।